Hello everyone, welcome to my channel Geeks Girl, and here I am going to present question number 12, reverse and array in groups. So first of all, thank you so much for watching this video, क्योंकि अभी तक 11 questions हो चुके हैं, 12 questions हो चुके हैं, ये मेरा 13 question है. So इसी तरीके से पूरा questions को solve करते हुए अभी तक हम लोग चले आ रहे हैं. So काफ़ी एक पेशेंस की बात होगी कि आप लोग इतना कोडिंग मेरे साथ कर रहे हो, आई होप. सो चलते हैं, बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं. सो गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ साइज एन, रिवर्स एवरी सब एरे ग्रुप ऑफ साइज के. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स एरे इन ग्रुप्स लिखा हुआ है. इसका मतलब ये हुआ, आपको कोई एरे दिया होगा एन साइज का, उसको एक फिक्स साइज जो होगा, मान लीजिए के है, इन्होंने के बोला है, और उसके साइज के छोटे छोटे ग्रुप्स करने हैं, ये साइज के ग्रुप्स करने हैं, और जितने भी ग्रुप्स बनेंगे उन सभी को हमें रिवर्स करना है. और जो मान लीजिए के साइज से छोटे बचे रिमेनिंग, मान लीजिए के का साइज 3 है, 3 से अगर 2 एलिमेंट्स बचे हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमें कर देना है रिवर्स. ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 को अगर रीड करें, सो एन इक्वल टू 5, के इक्वल टू 3. सो हम यहाँ पे जो एरे होगा, मैं सो बहुत बोलती हूँ, सॉरी, इरिटेट हो जाते होंगे आप लोग. तो n इक्वल टू 5, k इक्वल टू 3, एंड एरे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे k इक्वल टू 3 है, सो हम लोग 3, 3 का पेयर देखेंगे. ठीक है, 1, 2, 3, ये 3 का पेयर हो गया, इसको हम लोग पहले रिवर्स करेंगे 3, 2, 1. आफ्टर दिस जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको रिवर्स कर देंगे. एग्जाम्पल 2 में इन्होंने देखिए लिखा है 5, 6, 8, 9, इन्होंने k इक्वल टू 3 लिखा है, सो 3 का देखेंगे एलिमेंट 5, 6, 8, 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पहले रिवर्स करेंगे 8, 6, 5, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको. इन्होंने टास्क डिफाइन कर दिया है कि हम लोग को कुछ भी रीड इनपुट कराने की, प्रिंट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग का सिर्फ एक टास्क है जो इन्होंने फंक्शन दे रखा है, रिवर्स इन ग्रुप फंक्शन दे रखा है, उसको बस कंप्लीट करना है. और इन्होंने रिवर्स ग्रुप फंक्शन में दो चीज़ें पास की हैं, तीन आर्गूमेंट पास किए हैं. एक इन्होंने पास किया है होल एरे, उसके बाद इन्होंने एरे साइज का एरे है वो पास किया है, और के जिस साइज का हम पे ग्रुप बांटने हैं, ठीक है, डिवाइड कर ले वो. उसके बाद इन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन दे रखी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन दे रखी है, आप एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और ये कंस्ट्रेंट्स हैं, 10^7 तो ऑब्वियसली हमारा ऑर्डर ऑफ एन होगा. कंपनी टैग आप देख लो एक बार, टॉपिक टैग दिया हुआ है, कंपनी टैग अभी तक शायद पूछा नहीं गया, बट पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट का है तो बहुत ही सिंपल होगा. सो अब हम क्या करेंगे, हम सीधे अप्रोच पे चलेंगे और यहाँ जाएंगे, और हमने पहला वाला एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद जो हमने 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल लिया है, तो हम क्या करेंगे पहले, क्योंकि के हमारा क्या है, साइज है. यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे 3, इन्होंने पहले वाले एग्जाम्पल में के देखिए यहाँ पे 3 दे रखा है. एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको पहला एग्जाम्पल देखिए, के इक्वल टू 3 दे रखा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आए और हम लोगों ने यहाँ पे के इक्वल टू 3, यहाँ पे हमारा k इक्वल टू 3 है, मीन्स 3, 3 का हमारा ग्रुप बनेगा, 3, 3 एलिमेंट, तो पहला ग्रुप ये हो गया. तो हम क्या करेंगे कि ऐसे कितने नंबर ऑफ ग्रुप बन सकते हैं उसको हम a में स्टोर करा लेंगे, पूरा टोटल एरे का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो उसको डिवाइड कर देंगे k से, तो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल जाएंगे. ठीक, सो कितने नंबर ऑफ ग्रुप हो सकते हैं उसको हम बोल देंगे a, और एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप को हम 0 से उतने नंबर ऑफ ग्रुप तक हम चला देंगे. ठीक, और मान लीजिए ये जो मान लीजिए बड़ा एरे है, इसमें मैंने के की साइज जो मैंने ले रखी है वो 3 ले रखी है. ठीक है, 3 ले रखी है, तो 3, 3 के इसमें ग्रुप्स बनेंगे, ये देखिए. तो अगर फॉर लूप हमारा 0, 0, 2 कहाँ तक चलेगा, इसमें कितने ग्रुप्स हैं, ए की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, ए की वैल्यू जो हो गई है वो यहाँ पे ये हो गई है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स बने हैं ऐसे, तो 4 हो गई है. ठीक है, तो 0 से कहाँ तक चलेगा, ए तक. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप चलेगा वो चलेगा, मान लीजिए कि ये हमारा फॉर लूप चल रहा है, मान लीजिए ये फॉर लूप चल रहा है. ठीक है, फॉर लूप हमारा चलेगा यहाँ पे आई इक्वल टू 0, ठीक, इटरेटर लिया आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, ए तक चलेगा, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक, ये प्लस प्लस. सो आई जो है, आई यहाँ पे देखिए लेस देन ए है, इसका मतलब अगर 0 है यहाँ पे लेस देन ए तक चलेगा. ठीक है, 0 से लेस देन ए तक, मीन्स अगर 0, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है तो ये 0 से 3 तक चलेगा,
इसका मतलब यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगी, एक ग्रुप की जीरो होगी, दूसरे ग्रुप की वन होगी, तीसरे ग्रुप की टू होगी, फोर्थ वाले ग्रुप की थ्री होगी, ठीक है। सो हर एक ग्रुप के लिए क्या होगा, ये रिवर्स करता जाएगा। अब वो रिवर्स कैसे होगा वो देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, वो जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे उनको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। बाद में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेगा उसके लिए सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो यहाँ पे के जो हमारा बिगनिंग होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा k into i क्यों लिखा है, मान लीजिए i की वैल्यू जीरो है, ठीक है, i की वैल्यू जीरो से ही स्टार्ट होगी। सो k into 0, k into 1, ठीक है। सो जीरो से k तक हमारा क्या चलेगा, यहाँ पे जीरो से k तक के चीज़ों को यहाँ पे रिवर्स करेगा। कौन सा फंक्शन, रिवर्स फंक्शन। C++ में STL में रिवर्स फंक्शन होता है जो रिवर्स करता है, ठीक, किसी एरे को या वेक्टर को। सो वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हमें रिवर्स करना है, ये चीज़ मैंने इस स्टेटमेंट में डिफाइन कर रखा है कि k into i से लेकर के k into i+1 तक हमें रिवर्स करना है। सो यहाँ पे k into 0, i = 0 के लिए k into 0, k into i+1 मीन्स 0+1। तो 0 से k तक करेगा पहले, 0 से k तक, ठीक, मीन्स यहाँ तक ही 0 से k ही तो हुआ 3 ग्रुप्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आके के से स्टार्ट करेगा, और के से कहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ तक होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट में एलिमेंट बचेगा, मान लीजिए हमने कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स ट्रैवर्स कर लिए, यहाँ पे 4, ठीक है, 4 कर लिए हैं। सो k into 4 का मतलब क्या हुआ, 4 into 3 12 हो गया, मीन्स 12 हमने एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर लिए हैं। उसके बाद से हमें स्टार्ट करना है और एंड तक, ये देखिए यहाँ पर 12 एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ठीक है। तो 12 तक हो चुका है। सो अब सीधे हम कोडिंग पे चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, आप समझ गए होंगे आई होप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर। सो C++ में रिवर्स फंक्शन होता है, तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ रिवर्स फंक्शन का। सबसे पहले हम तो हम ये देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, उस ग्रुप के अलॉन्ग जाके हमें रिवर्स करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप निकालने के लिए हम एक इन टाइप का एक ए वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप बता रहा है। और वो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप कैसे निकालेंगे, टोटल एरे का साइज अपॉन में के, ठीक है, ग्रुप का साइज। सो टोटल एरे का साइज एन है, स्मॉल एन है क्या, हाँ स्मॉल एन है, और डिवाइडेड बाय के, स्मॉल के, दोनों चीज़ हम लोग को चेक कर लेनी, स्मॉल के और स्मॉल एन, ठीक। सो अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं, अब यहाँ पे सेमी कॉलम लगाऊंगी मैं सीधे। उसके बाद क्या करूँगी, मैं फॉर लूप पे चलूँगी। कहाँ तक चलेगा हमारा, नंबर ऑफ ग्रुप तक फॉर लूप चलेगा। यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ए, ठीक, नंबर ऑफ ग्रुप के, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ ग्रुप की इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, जीरो से होगी, इसलिए लेस देन ए, देन आई प्लस प्लस, आई इटरेटर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा आएगा ब्रैकेट के अंदर, दो रिवर्स फंक्शन आएंगे, एक तो एक होगा हमारा उस ग्रुप वाले पार्ट्स के लिए, जितने ग्रुप्स बनेंगे उनको ले, एक इंडिविजुअल ग्रुप को ले ले करके हमें रिवर्स करना है। दूसरा जो हमारा रिवर्स फंक्शन आएगा वो रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए, जो भी हमारे बच्चे हैं जिनका साइज लेस देन के है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रिवर्स फंक्शन लिया, और इस रिवर्स हमारा यहाँ पे जो रिवर्स फंक्शन है वो वेक्टर टाइप का इन्होंने एरे, मतलब वेक्टर टाइप इन्होंने वेक्टर क्या किया है यहाँ पे पास किया है, तो हमें वेक्टर में ही रिवर्स मतलब शुरू से लेके अंत तक चलना पड़ेगा, ठीक है। एरे का केस होता तो हम लोग रिवर्स एरे AR, AR+N कर देते, लेकिन यहाँ वेक्टर का केस है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने वेक्टर से, ये देखिए वेक्टर से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक। तो हम यहाँ पे वेक्टर वाला ऑपरेशन लगाएंगे। सो यहाँ पे AR.begin, जहाँ से हमें चलना है, प्लस किस लिए, जहाँ से हमें चलना है आप देखते जाइए, k into i, ठीक। के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा एरे डॉट, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे बिगिन ही आएगा। वो क्यों आएगा मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें अगर डिफाइन करना होता है यहाँ से यहाँ तक चलना है तो हम बिगिन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बिगिन, इसके बाद प्लस के इंटू
I plus 1. मैं यहाँ कर देती, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसके बाद ये हमारा किस लिए है, k इंटू आई से लेकर के हम k इंटू आई प्लस वन तक चलेंगे, जैसा कि हमने पहले समझ रखा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा रिवर्स फंक्शन लगाएंगे और वो रिवर्स फंक्शन जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, एरे डॉट बिगिन, पूरे नंबर ऑफ ग्रुप्स को हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, ठीक है। सो प्लस में क्या जाएगा, ए नंबर ऑफ ग्रुप्स ए इंटू ए आएगा प्लस में, ठीक है, नंबर ऑफ ए, और यहाँ पे ए मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स हम लोगों ने चल लिया है। इसके बाद हम सीधे क्या करेंगे, एरे डॉट, अब यहाँ पे एंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड, क्योंकि हम लास्ट तक चल रहे हैं। अगर एरे के बिल्कुल लास्ट से पहले पहले अगर हम वहां तक चलना चाहें, शुरू से लेके एरे के पहले पहले तक, तो हम लोग एंड यूज नहीं करते हैं, हम बिगिन यूज करते हैं, प्लस में जो भी हमारा क्राइटेरिया रहता है कहाँ तक चलना है, ठीक है। अब इसके बाद जहां से हमें एंड तक चलना है तो हम एंड का यूज करते हैं। सो यहाँ पे एंड हो गया। अब एक बार मैं कोड चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंपाइल और रन कराती हूँ। सो देखिए हमारा जो 1 2 3 4 5 था, अब यहाँ पे जो आउटपुट है 3 2 1 और 5, इसको हम लोगों ने रन करा के देख लिया है। अभी इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार, और कुछ टेस्ट केसेस पास नहीं हो सके, तो यहाँ पे एरर है, टेस्ट केस पास नहीं हो रहे हैं। और ये जो एरर है क्यों आ रही है, रेक्टिफाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, एक बार चेक करती हूँ मैं, int a equal to n by k, ओके, और फॉर लूप चलाया और रिवर्स यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये, और अरे ये जो ब्रैकेट है ये शायद गलती कर रहा है, क्योंकि जो फॉर लूप है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए लगा हुआ है, और मैंने इसको दोनों स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया था। अब देखती हूँ मैं, तो सही है, और यहाँ सबमिट करती हूँ। तो ये हमारा आउटपुट निकल आया, सबमिट हो गया फाइनली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको समझ में आया होगा यहाँ पे गलती क्यों हुई थी, क्योंकि ब्रैकेट जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैंने फॉलो अप चलाया था, ना कि सेकंड स्टेटमेंट के लिए, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए था। तो बस यहीं तक था, और अब मैं चलती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी करो तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग बने चीज़ें, और आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है, और आपके दोस्तों को भी। सो थैंक यू सो मच, बाय, चलती हूँ।